ईरान के इलाके सारावान में दहशतगर्दी, 9 पाकिस्तानी शहीद, 3 जख्मी। अलीपुर और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी 10 बरस से पड़ोसी मुल्क में मेहनत मजदूरी कर रहे थे। लवाहिकीन के मुताबिक तमाम अफराद को घर में घुसकर निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सफीर का वाकये पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन को भरपूर मदद की यकीन दहानी। पाकिस्तान को नवाज दो, नून लीग ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। बिजली के बिलों में 20 से 30%, बेरोजगारी में 5 और गुर्बत में 25% कमी का वादा। महंगाई 4 से 6% तक महदूद करने का भी नारा। 5 बरस में 1 करोड़ नौकरियां देने, फीकस आमदन $2,000 करने का हदफ मुकर्रर। 2013 में पीटीआई की हुकूमत बनने देना गलती थी, नवाज शरीफ का एतराफ। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आसानी से फरेब में आ जाते हैं, पीटीआई की बीमारी भी वहीं से आई। पंजाब में भी तहरीक इंसाफ को धक्के से हुकूमत दी गई, इंतकाम नहीं तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज है, हुकूमत मिली तो मंशूर पर मुकम्मल अमल करेंगे। नवाज शरीफ को अपने सूबे में आने की दावत दो, फिर मुनाजरा भी होगा और मुवाजना भी। शहबाज शरीफ का बिलावल को जवाब, कहा, कुछ लोगों को शिकायत है शेर शिकार नहीं कर रहा, 8 फरवरी को शेर ऐसा धाड़ेगा कि लग पता जाएगा। कहते हैं सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर, कौम ने 3 बार देख लिया नवाज कितना सच्चा है। बिलावल भुट्टो का पिशावर में खिताब, कहा, पुराने सियासतदान मुल्क को फिर 90 की तिहाई में धकेलना चाहते हैं, मुखालिफीन की बहनों और बेटियों को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। नस्ल और मजहब की तफरीक के बगैर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अवाम वोट दें या ना दें फलाई मंसूबे जारी रखेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का NA 121 में लीगी उम्मीदवार शेख रोहिल असगर के डेरे पर खिताब। और मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान का मुलाजिम पर तशद्दुद, जूतों और थप्पड़ों की बारिश, वीडियो मंजरेआम पर आ गई, दीगर मुलाजमीन भी रोकने में नाकाम, मेरी बोतल कहाँ है, राहत फतेह अली का शोर शराबा। ईरान के इलाके सारावान में दहशतगर्दी, 9 पाकिस्तानी शहीद, 3 जख्मी। अलीपुर और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी 10 बरस से पड़ोसी मुल्क में मेहनत मजदूरी कर रहे थे। लवाहिकीन के मुताबिक तमाम अफराद को घर में घुसकर निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सफीर का वाकये पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन को भरपूर मदद की यकीन दहानी। पाकिस्तान को नवाज दो, नून लीग ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। बिजली के बिलों में 20 से 30%, बेरोजगारी में 5 और गुर्बत में 25% कमी का वादा। महंगाई 4 से 6% तक महदूद करने का भी नारा। 5 बरस में 1 करोड़ नौकरियां देने, फीकस आमदन $2,000 करने का हदफ मुकर्रर। 2013 में PTI की हुकूमत बनने देना गलती थी, नवाज शरीफ का एतराफ। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आसानी से फरेब में आ जाते हैं, PTI की बीमारी भी वहीं से आई। पंजाब में भी तहरीक इंसाफ को धक्के से हुकूमत दी गई, इंतकाम नहीं तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज है, हुकूमत मिली तो मंशूर पर मुकम्मल अमल करेंगे। नवाज शरीफ को अपने सूबे में आने की दावत दो, फिर मुनाजरा भी होगा और मुवाजना भी। शहबाज शरीफ का बिलावल को जवाब, कहा, कुछ लोगों को शिकायत है शेर शिकार नहीं कर रहा, 8 फरवरी को शेर ऐसा धाड़ेगा कि लग पता जाएगा। कहते हैं सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर, कौम ने 3 बार देख लिया नवाज कितना सच्चा है। बिलावल भुट्टो का पिशावर में खिताब, कहा, पुराने सियासतदान मुल्क को फिर 90 की तिहाई में धकेलना चाहते हैं, मुखालिफीन की बहनों और बेटियों को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। नस्ल और मजहब की तफरीक के बगैर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अवाम वोट दें या ना दें फलाई मंसूबे जारी रखेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का NA 121 में लीगी उम्मीदवार शेख रोहिल असगर के डेरे पर खिताब। और मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान का मुलाजिम पर तशद्दुद, जूतों और थप्पड़ों की बारिश, वीडियो मंजरेआम पर आ गई, दीगर मुलाजमीन भी रोकने में नाकाम, मेरी बोतल कहाँ है, राहत फतेह अली का शोर शराबा।